क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल और स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास की रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं. तो चार्ज बाय मास रेशियो अल्फा इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज माइनस बी नॉट के कैप, यानी कि जो बी वेक्टर है उसकी वैल्यू बी नॉट है, माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के इनसाइड है, बी नॉट माइनस के कैप बोर्ड के इनसाइड है. विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट आई कैप, तो वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट आई कैप का मतलब कि इट इज एंटरिंग अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन. फाइंड टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. देखो ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं दिखेगा बट आपको मतलब समझ में आना चाहिए. टाइम डिपेंडेंस का मतलब है कि वेलोसिटी कैसे टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, ये बताएं कि वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम का क्या रिलेशन है ये बताएं, क्योंकि बॉडी या पार्टिकल अपना जो है रास्ता चेंज करता जा रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन बतानी है टाइम के फॉर्म में, ये क्वेश्चन है. तो रूल नंबर वन, ये सेक्टर वाला सेम प्रॉब्लम है कि अगर एक पार्टिकल एंटर करता है तो कुछ देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, फिर टेंजेंशियली यहाँ से चला जाएगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट. तो अगर ये एंट्री वी नॉट पे कर रहा है तो एग्जिट भी वी नॉट पे करेगा. रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, डायरेक्शन चेंज करेगा, पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल. नेक्स्ट है इसमें, अब सपोज करो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया होगा कभी, और r इसका डिस्टेंस है और एंगल इसका थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा यहाँ पर, थीटा. लास्ट टाइम डिस्कशन की थी कि पार्टिकल कितने एंगल पर बाहर निकलता है, वो इस सेंटर पे एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है. ठीक, तो यहाँ से ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, x कॉमा y. तो इसमें जो ओमेगा होगा, देखो हम ओमेगा की बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, रादर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करती है, जब स्पीड चेंज नहीं होती, तो आपको सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन अगर याद है तो सेंटर के ऊपर एंगल स्टैंडर्ड हमेशा क्या आता था, ओमेगा टी. याद करो SHM भी किया था हमने, कंपेयर की थी SHM में मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वाई की इक्वेशन SHM में क्या आती थी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा टी बड़ा स्टैंडर्ड एंगल है, आप सर्कुलर मोशन करें तो भी सर्कल के सेंटर पे एंगल स्टैंडर्ड ओमेगा टी, आप SHM करें तो भी सर्कल के सेंटर पे एंगल इज ओमेगा टी. तो यहाँ पर भी इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि स्पीड तो इसमें चेंज हो नहीं रही, तो ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है. तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, पर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है बी क्यू बाई एम, अगर फॉर्मूला याद है ओमेगा का तो बी क्यू बाई एम. तो यहाँ पे क्यू बाई एम की रेशियो क्वेश्चन में कितनी की बने, अल्फा. तो ओमेगा आ गया, ओमेगा टी से थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी नॉट अल्फा इंटू टी. कोई डाउट इसमें, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई. रेडियस कितना है पार्टिकल का, रेडियस है एम वी बाय बी नॉट क्यू, एम वी बाय बी क्यू. तो यहाँ से एम को नीचे ले आए तो क्या आएगा, क्यू बाई एम, क्यू बाई एम क्या है, अल्फा, क्यू बाई एम इज अल्फा. तो ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया इन टर्म्स ऑफ अल्फा. तो रेडियस आ गया, मेरे पास थीटा आ गया, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी ये वी नॉट है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो वेलोसिटी वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप. तो इसके अंदर अगर ये वी नॉट है तो वी नॉट या वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, रादर वी एक्स की वैल्यू, क्योंकि वी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप. तो इसके अंदर अगर ये वी नॉट है और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा. तो v नॉट cos थीटा वी एक्स है, v नॉट sin थीटा वी वाई है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं. तो v नॉट cos थीटा वी एक्स है, v नॉट sin थीटा वी वाई है. तो मेरे ख्याल से ये स्टेप क्लियर है, v नॉट cos और v नॉट sin i कैप j कैप. थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना, b नॉट अल्फा t. तो थीटा की जगह पुट कर लेते हैं b नॉट अल्फा t, b नॉट अल्फा t. तो ये क्या आ गया आपके पास, v वेक्टर आ गया. तो एक आंसर आ गया, आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम. अब टाइम के साथ एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट बनेगा कैसे, टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है, ओमेगा एंगल, सॉरी, टाइम के साथ चेंज क्या हो रहा है, एंगल, और एंगल क्या होता है, ओमेगा टी. तो एंगल चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा. तो इसके अंदर ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, टाइम के साथ चेंज हो रहा है. जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर मान लो यहाँ का, ये अगर ओरिजिन है
तो ये कोऑर्डिनेट क्या है वाई, ये कोऑर्डिनेट क्या है एक्स, तो क्या बनेगी पोजीशन एक्स आई कैप और वाई जे कैप। तो आप एक काम करें, इस ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और ऐसे ही इसके अंदर अगर वाई निकालना है तो एक काम करते हैं, पहले ये निकालो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन आर, तो ये क्या आएगा आर कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा, ये टोटल कितना है, ये आर है, तो ये आर है, ये आर कॉस थीटा है, तो वाई की वैल्यू क्या बनेगी आर माइनस आर कॉस थीटा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये लो, यहां पर एक्स की जगह आर साइन थीटा, वाई की जगह आर माइनस आर कॉस थीटा। आर हम ऊपर निकाल चुके हैं कितना, वी बाय बी नॉट अल्फा, तो आर की जगह वी नॉट बाय बी नॉट अल्फा, और थीटा की जगह वही ओमेगा टी जो निकाला था अभी हमने टाइम के फॉर्म में आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट हाँ टाइम डिपेंडेंस की प्रॉब्लम कैसे करनी है, एक लॉजिक है इसका कि जिसके अंदर हम एंगल्स को चेंज मानते हैं, जब भी पोजीशन कोई पार्टिकल चेंज कर रहा होगा तो एंगल चेंज होगा, सारी गेम एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे एक आइडिया है कि कैसे टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, इसमें ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर कोई पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, तो एग्जिट करेगा मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा, लास्ट टाइम कर लिया था हमने। तो पहला पार्ट यही है, अगर मान लो एंगल जो है एंट्री का अल्फा है तो एग्जिट का बीटा है, तो बीटा किसके इक्वल है अल्फा, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट, टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में इतना समय उसने बिताया, कितना बिताया ये निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर टाइम निकालना है। अब टाइम क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में, ये डिस्टेंस, ये जो भी आर्क है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू चेंज होगी नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू तो चेंज करता नहीं, मैग्नीट्यूड रिमेंस सेम। तो ये आर्क अगर मैं निकाल दूं, इसको वी नॉट से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आर्क ए बी सी अपॉन वी नॉट। अब आर्क कैसे निकलेगी, इस आर्क ने, क्योंकि ये अल्फा तो 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा, तो ये अल्फा लास्ट टाइम किया था, इस आर्क ने सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनाया, 2 अल्फा। तो आर्क इज, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो एंगल कितना है 2 अल्फा। आर्क कितनी है ए बी सी और रेडियस कितना है आर, तो इसलिए आर्क इज एंगल, जो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो ए बी सी आर्क क्या होगी आर इंटू 2 अल्फा, राइट। तो ये ए बी सी की वैल्यू आर इंटू 2 अल्फा, रेडियस की वैल्यू क्या होती है एम वी बाय बी क्यू, तो आर इज इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, जो भी ये ए बी सी आएगा इसको किससे डिवाइड कर देना है वी नॉट के साथ, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसल, टाइम आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास टाइम आ गया, डिस्टेंस ए सी। देखो इसको लिखना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट ए सी, क्योंकि जब वो बोलता है डिस्टेंस ए सी तो मेरे को ऐसा लगा कि वो ये आर्क पूछ रहा है, आर्क हम निकाल चुके हैं। अगर वो पूछता है डिस्प्लेसमेंट ए सी तो फिर मैं क्या निकालूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा ए सी। उसने डिस्टेंस लिखा तो मेरे को लगा आर्क है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो आप कर सकते हो इसमें डिस्प्लेसमेंट ए सी निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए डी का ट्वाइस, क्योंकि जितना ए डी उतना ही है, तो ए डी का ट्वाइस ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब ए डी क्या होगा, अगर ये अल्फा ये आर, तो ए डी क्या होगा, साइन अल्फा इज ए डी डिवाइडेड बाई आर, तो ए डी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। तो ए डी की जगह आर साइन अल्फा, ये भी आर साइन अल्फा, 2r sin α इसका फाइनल आंसर है, 2r sin α। तो ए सी की डिस्प्लेसमेंट आ गई और आर की वैल्यू हमें याद है एम वी बाई बी क्यू आंसर। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट्स निकलेंगी ये चीज़ क्लियर है सबको, ठीक है। इसके बाद दो क्वेश्चन इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ के डल गए, इसको दो मिनट जाते हुए देखते हैं। इससे पहले हाँ, ये क्वेश्चन फोर्स का ही प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी वेक्टर, बी वेक्टर गिवन है के कैप की फॉर्म में, एग्जर्ट्स अ फोर्स आई कैप जे कैप में, फोर्स वेक्टर भी गिवन है, तो बी वेक्टर गिवन है, एफ वेक्टर गिवन है, ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ क्यू गिवन है, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी है। मुझे एक ही फॉर्मूला आता है वेक्टर फॉर्म में, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनटू वी क्रॉस बी। फोर्स वेक्टर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैंने पुट कर लिया, चार्ज मुझे गिवन है, मैंने पुट कर लिया, वेलोसिटी वेक्टर मुझे निकालना है, मुझे पता नहीं, पर वो कह रहा है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, वी एक्स एंड वी वाई। तो वेलोसिटी वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो क्लियर है यहां तक?
तो वेलोसिटी वेक्टर है, और बी वेक्टर क्या है, ये आपके पास बी वेक्टर है, यहां पर आपने पुट कर दिया, तो सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब गेम क्रॉस प्रोडक्ट का, आई क्रॉस के इज माइनस जे, जे क्रॉस के इज आई कैप, जे क्रॉस से आई कैप, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके आंसर आ गया। अब लेफ्ट में दो टर्म्स हैं, राइट में दो टर्म्स हैं, लेफ्ट में आई वाली टर्म है, जे वाली टर्म है, आई वाली टर्म है, जे वाली टर्म है, तो लेफ्ट में जो आई का कोफिशियंट है, राइट में जो आई का कोफिशियंट है, उन्हें इक्वेट कर दो, वी वाई आ जाएगा। यहां पर जो जे का कोफिशियंट है, यहां पर जो जे का कोफिशियंट है, इक्वेट कर दो, वी एक्स आ जाएगा। तो कंपेयर करके वी एक्स एंड वी वाई कैन बी कैलकुलेटेड, वी एक्स वी वाई आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप इज द आंसर। तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समझ में आ रहा है, यहां तक वैल्यूज पुट करें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, यहां पर अननोन वैल्यूज हैं, यहां पर नोन वैल्यूज हैं, आई का कोफिशियंट आई के साथ, जे का कोफिशियंट जे के साथ कंपेयर करके वी एक्स वी वाई कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, इसके बाद ये एक प्रॉब्लम है, एक बार पढ़ें, अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। ठीक, तो ये चार्ज है, मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ v1 की वैल्यू है। तो ये आपके पास क्या है, चार्ज पार्टिकल q है और मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ v1 है। ठीक है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है v1 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इन एक्स वाई प्लेन। तो ये जो पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन के साथ कितने एंगल पे मूव कर रहा है, 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। आगे, एंड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 5√2 मिली न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक, तो फोर्स वेक्टर कहां पर है, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो अगर मैं इसके अंदर ध्यान से देखूं तो मुझे एक तो वेलोसिटी वेक्टर गिवन, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 10^6। तो अगर मैं सिर्फ उतनी वैल्यू को देखूं तो वेलोसिटी 10^6 है और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री इन एक्स वाई प्लेन। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, 10^6 कॉस ऑफ 45 और 10^6 साइन ऑफ 45। तो वी वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर होगा दिस आई कैप एंड दिस जे कैप, कोई डाउट इसमें, राइट? तो आपके पास ये वी वेक्टर आ गया, वी वेक्टर आ गया, फोर्स वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 5√2 अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो फोर्स वेक्टर माइनस के कैप में आएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि मेरे को वी वेक्टर गिवन है, मेरे को फोर्स वेक्टर भी गिवन है। अब इसी का एक सेकंड केस भी गिवन है, ये पहला केस था, दूसरा केस, व्हेन सेम पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ अगेन 10^6 अलोंग जेड एक्सिस। तो दूसरे केस में वो एक्स वाई प्लेन में मूव नहीं कर रहा, दूसरे केस में वो जेड के अलोंग मूव कर रहा है, एंड फोर्स कहां लग रही है, वाई एक्सिस। तो आपको पहले पार्ट से निकालना है बी और दूसरे पार्ट से क्या निकालना है, F2, क्योंकि पहले पार्ट में बी मिसिंग है और दूसरे पार्ट में F2 मिसिंग है। चलो पहला पार्ट करते हैं, पहले पहले पार्ट में ये दो वैल्यूज गिवन है, फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला पता है। एक काम करें, फोर्स वेक्टर की जगह फोर्स वेक्टर, चार्ज की जगह चार्ज, वी वेक्टर की जगह वी वेक्टर, क्रॉस बी वेक्टर की जगह कैसे पता लगा कि बी नॉट के पीछे आई कैप आएगा, क्योंकि फर्स्ट केस में उसने बिल्कुल भी दो लाइंस में नहीं कहा कि बी की डायरेक्शन कहां है। चेक कर लो, चार्ज पार्टिकल में चार्ज गिवन है, वेलोसिटी गिवन है एक्स वाई प्लेन में, फोर्स गिवन है, लेकिन बी के बारे में उसने बात नहीं की। तो पहले केस में मुझे बी की डायरेक्शन नहीं मालूम, क्लियर है? तो लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा यहां पर, बी नॉट आई कैप, बी नॉट मुझे निकालना है। वो इसलिए क्योंकि आपको सेकेंड केस गिवन है, सेकेंड केस में बी की डायरेक्शन छुपी हुई है। वो कह रहा है सेम पार्टिकल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ वी 10^6 अलोंग जेड एक्सिस। तो वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है, जेड एक्सिस में, फोर्स कहां पर लग रही है, इन वाई डायरेक्शन, फोर्स कहां पर है, वाई पे। अब सोचो अगर फोर्स वाई पे है, वेलोसिटी जेड पे है, तो बी कहां पर मिलेगा, एक्स में, तीनों पर पेंडिकुलर है, तो ये कहां पर मिलेगा, एक्स में, इसीलिए पीछे क्या लगा दिया गया, आई कैप, तो बी नॉट आई कैप। तो बी की जो डायरेक्शन है वो केस नंबर 1 में मिसिंग है, केस नंबर 2 से पता की मैंने। तो यहां से अब कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट है, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है, तो ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, में माइनस के से माइनस के कैंसिल,
जो बचा वो बी नॉट की वैल्यू आपको दे देगा, और बी नॉट क्योंकि आई कैप है तो पीछे क्या लगेगा, आई कैप लगेगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है। अब क्योंकि फर्स्ट पार्ट से हमें बी पता लग गया, सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, मुझे फोर्स निकालो एफ टू क्या होगा। अब एक बात बताओ, सेकेंड पार्ट में फोर्स कहाँ पर है, वाई में, सेकेंड पार्ट में वी कहाँ पर है, जेड में, बी कहाँ पर है, आई पे, तीनों पर पेंडिकुलर हैं, तो एंगल बिटवीन बी एंड वी इज 90, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी क्यू वी साइन 90। तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट फर्स्ट पार्ट से हम निकाल चुके हैं, चार्ज हमें पता है, वेलोसिटी हमें पता है, मल्टीप्लाई करके फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड। पार्ट में आप ना इसको देखते हुए फॉर्मूला लिखो, इन दोनों को देखते हुए, कैसे, एफ फैक्टर इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी, लिखो ऐसे, फिर आप लिखो एफ फैक्टर कहां पर है, वाई में, तो ये क्या है, जे, वी वेक्टर कहां पर है, जेड में, तो ये क्या है, के, तो बोलो कौन सा कैप लगाऊं कि यहां पर जे आ जाए, के क्रॉस आई माइनस आई में, ऐसे पता लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके नीचे वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तब पता लगता है आई कैप आएगा, माइनस आई कैप नहीं आएगा, ऐसे आप इनको देखते हुए ये फॉर्मूला लिखें, फोर्स वेक्टर कहां पर है, वाई में, जे कैप, वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है, के कैप, तो बताओ यहां कौन सा कैप लिखूं, के क्रॉस क्या हो कि आंसर जे आए, यहां पर ऑब्वियसली आई तो आएगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बीम इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब, बोला था ना टीवी पिक्चर ट्यूब इसके ऊपर बेस्ड है, तो टीवी पिक्चर ट्यूब इज एक्सेलरेटेड 2 किलो वोल्ट। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन गिवन है और आपको वी पता है 2 किलो वोल्ट, तो क्यू पता है, वी पता है, देन इट पासिस थ्रू रीजन ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल एंटर करता है, मूव्स इन सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस, रेडियस भी गिवन है, फाइंड बी, ये तो बहुत लंबा कर दिया, छोटा करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है और वी पोटेंशियल पे है, वी मुझे पता है 2 किलो वोल्ट का मतलब 2000 वोल्ट, चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो यहां से आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वोल्ट पता है, चार्ज पता है, तो क्या जाएगी, वेलोसिटी, क्लियर है यहां तक, पार्टिकल की क्या आ गई, वेलोसिटी, कोई डाउट इसमें, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब रेड, क्योंकि पार्टिकल सीधा किस में एंटर करेगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट विल मूव इन अ सर्कल, सर्कल का रेडियस एम वी बाई बी क्यू, आपको इसमें बी निकालना है, आपको रेडियस पता है, रेडियस पता है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऊपर से आ जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, यहां से बी कैन बी कैलकुलेटेड, क्लियर है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। इसके अंदर एक शीट हम कर रहे थे लास्ट टाइम, 65 का आखिरी क्वेश्चन पेंडिंग था, ये वाला, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, एम, मास एम है, एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू है, मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यू वन वैक्टर इज 4 I cap meter per second एंटर द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पार्टिकल U1 इज 4 I cap, 4 I cap का मतलब अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करता है 4 I cap, नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू l, तो ये x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू l है, तो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कहां से कहां है, 0 से लेके l तक है, उसके बाद खत्म है, यानी कि पार्टिकल एंटर करेगा, फिर सर्कल में मूव करेगा और फिर टेंजेंशियली बाहर चला जाएगा, ऐसे ही होगा, पार्टिकल आएगा
सर्कल में मूव करेगा और टेंजेंशियली चला जाएगा, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आफ्टर पासिंग दिस रीजन अ पार्टिकल एमर्जेस ऑन अदर साइड आफ्टर 10 मिलीसेकंड। तो यहां से लेके यहां तक उसने कितना समय लिया? 10 मिलीसेकंड। विद वेलोसिटी यू टू वेक्टर, तो उसने आने की वेलोसिटी बताई, उसने जाने की भी वेलोसिटी वेक्टर बता दिया कि जाने का वेलोसिटी वेक्टर है। कई लोग कहेंगे कि इसमें वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया, सही है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी की वैल्यू को कभी चेंज करती नहीं थी। क्या इसमें वैल्यू चेंज हुई? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर। चेक करो आंसर 4 आ रहा है, बट डन। तो यानी कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ, पर डायरेक्शन तो चेंज हुई, इसलिए आई कैप जे कैप का कोफिशियंट चेंज हुआ। कहीं सोचो कि वैल्यू चेंज होगी, नहीं, वैल्यू चेंज नहीं हुई अभी भी। वैल्यू का मैग्नीट्यूड दोनों में क्या एग्जैक्टली? सेम। क्लियर है यहां तक? जो एंगल से यह निकलेगा वही एंगल सेंटर भी बनेगा, सबको पता है। तो आपको ये समय पता है कितने टाइम में ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहा, और आपको इसमें क्या निकालना है? आपको इसमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, प्रूव करना है इसके इक्वल है। देखो मेरे को एक चीज़ पता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो मैं एंगल बता सकता हूँ कितने एंगल से वो बाहर निकला। एंगल बताने के लिए वेलोसिटी वेक्टर पता है, आई का कोफिशिएंट क्या है? 2√3। तो वेलोसिटी वेक्टर 2√3 आई कैप एंड ऐसी 2 जे कैप, 2√3 आई कैप 2 जे कैप, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं यहाँ से टैन थीटा लूँ तो टैन थीटा विल इक्वल टू दिस 2 डिवाइडेड बाई 2√3। तो अगर डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू 2/2√3, 1/√3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 5/6। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये जो एंगल मिलेगा सेंटर पे, जो ये आर्क बनाएगा, ये जो पार्टिकल बनाएगा, वो कितना बनाएगा? 5/6। तो ये भी 5/6, ये भी 5/6। क्लियर है? अब दूसरी चीज़ ये बताओ, ये करने की जरूरत नहीं है, हमने ओमेगा का फॉर्मूला याद किया हुआ है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद किया हुआ है। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πm/bq, या फिर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2π इज इक्वल टू m/bq। टाइम बाय 2π क्या है? 1/ω इज m/bq। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी bq/m। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी? bq/m, राइट? तो सीधा लिख दो ना, ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ओमेगा इक्वल टू bq/m। ओमेगा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो स्टैंडर्ड एंगल होता है ये वाला थीटा, उसको क्या लिखा जाता है? ओमेगा टी। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा? थीटा डिवाइडेड बाय टी। तो ऐसा क्यों नहीं करते? ओमेगा का फॉर्मूला पता है, इसकी जगह रिप्लेस कर दो थीटा बाय टी। टी क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टाइम पता है, क्वेश्चन में स्मॉल टी पता है, 10 मिलीसेकंड का टाइम पता है। तो बस इसको इसके इक्वल इक्वेट कर दो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एंगल थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 5/6। वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा। आइडिया क्लियर है? जब भी टाइम की इन्वॉल्वमेंट होगी, भूलना नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल मूव कर रहा होगा और समय गिवन होगा, टाइम निकालना होगा या गिवन होगा, तो एक ही फॉर्मूला लगाना है, और वो क्या? थीटा इज इक्वल टू, बस यही आपको टाइम बता सकता है, क्योंकि ओमेगा का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सबको याद ही हो जाएगा, bq/m। आपको समय टाइम यहाँ से पता लगेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?